नमस्कार, मैं सचिन। बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है बिहार न्यूज एक्सप्रेस में इस वक्त की खास खबर। शहर के गांधी मैदान में डिजनीलैंड मेले का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन नगर परिषद के सभापति सिंधु सिंह, भाजपा नेता धनंजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। डिजनीलैंड मेले के उद्घाटन में आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ इस डिजनीलैंड मेले के आयोजनकर्ता मैनेजर साहब को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमको यहां बुलाया उद्घाटन के लिए। साथ ही साथ इस नगर सिवान नगरवासियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस डिजनीलैंड मेले के मेले में आए और इस मेले का आनंद उठाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही साथ इस मेले के प्रोपराइटर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने हम लोगों को बुलाया है। और शहर की समस्त जनता से, नगर परिषद की क्षेत्र के समस्त जनता से यह आग्रह करेंगे कि इस मेले में आएँ, दुकानों को देखें। कुछ अद्भुत चीज़ें बाहर से आई हैं जैसा कि मुझे सुनने में आया है, उसका आनंद लें। डिजनीलैंड का ओपनिंग हुआ है तो यही कहना चाहेंगे ये इसका थोड़ा प्रचार हो और सिवान वासियों को मालूम हो कि यहाँ डिजनीलैंड मेला लगा है, भारतीय उद्योग प्रदर्शनी जो करीब करीब इसमें खास में यानी कि आसाम का बेत का कुर्सी भी है, पूरा सोफा सेट और शिप का भी यानी कि बना हुआ दुकान है, बहुत तरह का दुकान है, खेल यानी कि खेल तमाशा के अलावा दुकान बहुत सा लगा हुआ है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।